टाइटैनिक शिप अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। दोस्तों टाइटैनिक जहाज उस समय इतना बड़ा था कि उस समय की बिल्डिंग्स के हिसाब से उन बिल्डिंगों से भी काफी ज्यादा ऊंचा था। और टाइटैनिक शिप में 3 बड़े फुटबॉल के मैदान आसानी से समा सकते थे। दोस्तों टाइटैनिक शिप का पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी कि RMS टाइटैनिक था। दोस्तों टाइटैनिक शिप को इस तरह डिजाइन किया गया था कि 2224 से भी ज्यादा लोग इस बड़े जहाज में यात्रा कर सकते थे। दोस्तों टाइटैनिक जहाज अपने आप में ही अटलांटिक ओशन में बसा एक छोटे से शहर की तरह लगता था। दोस्तों टाइटैनिक जहाज की सबसे खास बात तो ये थी कि ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। और टाइटैनिक में जो सिटी लगी हुई थी उसे 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। दोस्तों टाइटैनिक को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। दोस्तों टाइटैनिक जहाज को 3000 वर्कर्स की टीम ने बनाकर तैयार किया था। दोस्तों इतने बड़े टाइटैनिक के ढांचे को तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। कड़ी सावधानी के बावजूद भी टाइटैनिक को बनाते समय लगभग 9 मजदूरों ने अपनी जान भी गंवा दी थी और 240 वर्कर्स गंभीर रूप से घायल भी हो चुके थे। और टाइटैनिक को बनाने में लगभग 48 करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका था जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा अधिक था। दोस्तों टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट थी और 92 फीट ये चौड़ा था। और टाइटैनिक की ऊंचाई 175 फीट थी और 46,312 टन वजनी ये विशाल जहाज था। दोस्तों टाइटैनिक में कुल 10 मंजिले डिब्बे थे जिसमें से 8 डिब्बे पैसेंजर्स के लिए मौजूद थे। दोस्तों टाइटैनिक में कुल 4 चिमनियां लगाई गई थी जिसमें काम सिर्फ 3 ही करती थी और चौथी चिमनी टाइटैनिक की सजावट और जहाज की वेंटिलेशन के लिए लगाई गई थी। दोस्तों टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का कहना था कि ये कभी न डूबने वाला जहाज है, लेकिन ये किसे मालूम था कि टाइटैनिक जैसा विशाल जहाज कभी पानी में डूब भी सकता है। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज जो कि कभी न डूबने वाला जहाज था आखिर कैसे पानी में डूब सकता था? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिससे कि टाइटैनिक डूब गया, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। दोस्तों टाइटैनिक को बनाने का काम 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट के हरलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में शुरू हो चुका था। दोस्तों टाइटैनिक के साथ 2 और जहाजों का भी निर्माण किया जा रहा था जिसमें से एक RMS ओलंपिक था। दोस्तों टाइटैनिक और ओलंपिक जहाज दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही थे, हालांकि ओलंपिक शिप का निर्माण टाइटैनिक से भी पहले 16 दिसंबर 1908 को शुरू हुआ था। दोस्तों टाइटैनिक को बनने में कुल 3 साल का समय लग गया था और टाइटैनिक को बनाने में उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया था। और 1 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप को समुद्र में पहले एक्सपेरिमेंट के लिए छोड़ दिया गया। टाइटैनिक ने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में बेलफास्ट से आयरिश रिवर तक समुद्र में 150 किलोमीटर के दायरे में सफर किया। और उस समय टाइटैनिक में कंपनी के कई बड़े इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। और उसके बाद उसी दिन शाम 7 बजे टाइटैनिक बेलफास्ट वापिस लौट आया। और एक्सपेरिमेंट के सक्सेस हो जाने के बाद 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को यात्रा के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। और इसी के साथ ही टाइटैनिक ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया था। दोस्तों टाइटैनिक शिप अपनी पहली यात्रा से पहले ही काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था क्योंकि उस समय में टाइटैनिक का मुकाबला कोई भी जहाज नहीं कर सकता था। दोस्तों टाइटैनिक में ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के रूम्स मौजूद थे और ए क्लास रूम सबसे लग्जरी था। टाइटैनिक में यात्रा करने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट 2.70 लाख रुपए का था, सेकंड क्लास का टिकट 1 लाख रुपए और थर्ड क्लास का टिकट 2000 रुपए का था। इसके अलावा टाइटैनिक में यात्रियों के लिए कई सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया था। दोस्तों टाइटैनिक के अंदर एक सुंदर सा स्विमिंग पूल भी मौजूद था जिसमें यात्री आसानी से स्विमिंग कर सकते थे। और डेली योगा करने वालों के लिए टाइटैनिक में एक योगा रूम भी मौजूद था। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए स्क्वैश कोर्ट गेम भी मौजूद थी। इसके अलावा नहाने के लिए टाइटैनिक में एक एक्सपेंसिव टर्किश बाथरूम भी मौजूद था जो कि काफी ज्यादा लग्जरी था। टाइटैनिक में एक एक्सपेंसिव कैफे भी मौजूद था जिसमें वेज और नॉन वेज में कई प्रकार की खाने की चीजें भी उपलब्ध थी। दोस्तों फोटोग्राफी करने के लिए टाइटैनिक में एक स्पेशल रूम भी मौजूद था। और इतना ही नहीं, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए 2 अलग अलग लाइब्रेरीज भी मौजूद थी। इसके अलावा टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए 4 लिफ्टें भी लगाई गई थी। और इतना ही नहीं, थर्ड क्लास के यात्रियों के लिए भी टाइटैनिक में अच्छे खाने की व्यवस्था की गई थी। और इसके अलावा टाइटैनिक में सबसे एडवांस इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी लगाया गया था। दोस्तों अब टाइटैनिक
अपनी पहली यात्रा के लिए पूरी तरीके से तैयार था। दोस्तों, टाइटैनिक की पहली यात्रा इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की गई थी और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। दोस्तों, ये 10 अप्रैल 1912 का समय था जब टाइटैनिक 2000 दोस्तों यात्रियों को लेकर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों में कई अमीर लोग भी मौजूद थे और उस समय का सबसे अमीर व्यक्ति जैकब एस्टर भी टाइटैनिक में मौजूद था। दोस्तों, टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री काफी ज्यादा खुश थे और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका जा रहे थे। और टाइटैनिक में कुछ यात्री ऐसे भी मौजूद थे जो कि टाइटैनिक के एक ट्रिप के लिए ही जहाज में चढ़े थे, पर उन यात्रियों को ये तक मालूम नहीं था कि टाइटैनिक कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं पाएगा। दोस्तों, टाइटैनिक में एक दिन में करीब 825 टन कोयले का इस्तेमाल होता था और वो 100 टन राख हर रोज निकालता था। और टाइटैनिक में हर रोज 14,000 गैलन पीने का पानी का इस्तेमाल होता था। जहाज में 40,000 अंडे रोज खर्च हो जाते थे और 1500 गैलन दूध लग जाता था। जहाज में 20,000 बियर और 1500 वाइन बॉटल ऑन बोर्ड थी। इसके अलावा टाइटैनिक जहाज में 8,000 सिगार भी इस्तेमाल होते थे। दोस्तों, टाइटैनिक साउथहैम्पटन से काफी आगे निकल चुका था। समुद्र में चारों तरफ तेज हवाएं भी चल रही थी जिसके कारण मौसम में हल्की ठंडी भी थी। इसी समय टाइटैनिक के प्रथम ऑफिसर ने टाइटैनिक की स्पीड को बढ़ाने का आदेश दे दिया ताकि टाइटैनिक टाइम से पहले ही अमेरिका पहुंचकर यात्रियों और मीडिया को हैरान कर दे। टाइटैनिक शाम की रोशनी में आगे बढ़ रहा था, वहीं नीचे पानी में बहुत सारी डॉल्फिन्स करतब कर रही थी। टाइटैनिक को सफर में निकले हुए लगभग 3 दिन हो चुके थे और टाइटैनिक में एक दुर्घटना भी घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के एक निचले हिस्से के भाग में पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई थी जो कि टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों के लिए खतरा भी बन सकती थी। और टाइटैनिक में यह आग उस समय लगी थी जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए साउथहैम्पटन से निकलने वाला था और इसका पता कैप्टन समेत सभी अधिकारियों को भी था, परंतु इसके बावजूद भी यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो टाइटैनिक की यात्रा को रद्द करना पड़ता और टाइटैनिक के सारे टिकट्स पहले ही बिक चुके थे जिससे कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता, जिससे कि टाइटैनिक के इस बड़े खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया और टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना कर दिया गया। दोस्तों, हालांकि 4 दिन तक टाइटैनिक का सफर बिल्कुल अच्छा गया और टाइटैनिक में मौजूद यात्री भी काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि लोगों को उस समय सबसे लग्जरी जहाज में यात्रा करने का मौका मिल रहा था। और 5वें दिन टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 को रविवार की रात में समुद्र में काफी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। चांद ना होने पर आसमान में घना अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक के कैप्टन को सामने की तरफ दूर का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और जहाज के सामने की ओर देखने के लिए टाइटैनिक में दूरबीन भी मौजूद नहीं थी। हालांकि दूरबीन तो मौजूद थी लेकिन वो लॉकर में बंद थी और उस लॉकर की चाबी जहाज के पुराने अधिकारी के पास थी जिसे ऐन मौके पर रिप्लेस कर दिया था, जिससे कि वो अधिकारी लॉकर की चाबी देना भी भूल गया था। हालांकि टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से पहले टाइटैनिक के कैप्टन को कुल 6 चेतावनियां भी दी गई थी कि टाइटैनिक के रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं जिससे टाइटैनिक कभी भी टकरा सकता है, लेकिन जहाज के कैप्टन को यह लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा भी सकता है। हालांकि उस रात घना अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक के कैप्टन को सामने की तरफ आइसबर्ग दिखाई ही नहीं पड़ा और कुछ ही देर बाद रात तकरीबन 11:40 पर जहाज के 6वें ऑफिसर जेम्स मूड के फोन की घंटी बजी और टेलीफोन में ऑफिसर को यह बताया गया कि टाइटैनिक जहाज के रास्ते में बड़ा सा आइसबर्ग खड़ा है। इसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इसकी जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई और जहाज के कैप्टन को जब तक इस बात का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग से टकराने के लिए सिर्फ 35 सेकंड ही बचे थे। जानकारी मिलते ही टाइटैनिक जहाज की पूरी टीम एक्शन में आ गई और उसके बाद क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट हिटलेज ने जहाज को बाईं तरफ मोड़ने और इंजन को बंद करने का आदेश दे दिया था और साथ ही जहाज के ऑपरेटर्स को टाइटैनिक को तेजी से पीछे लेने का भी आदेश दिया, लेकिन जहाज के तेज रफ्तार होने की वजह से जहाज को पीछे की तरफ लेना और उसे मोड़ना लगभग नामुमकिन हो चुका था और उस समय जहाज के रडार में भी गड़बड़ी आ चुकी थी। उस रात टाइटैनिक जहाज 39 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काफी तेजी से आइसबर्ग की ओर बढ़ता जा रहा था और कुछ ही सेकंड्स में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक आइसबर्ग से उस हिस्से से जा टकराया जहां पर टाइटैनिक के निचले भाग में पहले ही आग लगने की वजह से सारा मेटल कमजोर हो चुका था।
जिसके कारण टाइटैनिक के निचले हिस्से में आइसबर्ग से टकराते ही छेद होना शुरू हो गए, जिससे कि टाइटैनिक के निचले कमरों में धीरे धीरे करके पानी भरना शुरू हो गया। उस समय टाइटैनिक में मौजूद सभी यात्री लगभग सो रहे थे, जिसके कारण कुछ यात्रियों को यह पता ही नहीं चला कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया है। टाइटैनिक के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका है। हालांकि उसके बाद टाइटैनिक में मौजूद ऑफिसर्स ने सोए हुए सभी यात्रियों को जगाया और उन्हें लाइफ बोट की ओर तुरंत जाने के लिए कहा। जैसे ही यात्री को ये पता चला कि टाइटैनिक के निचले रूम्स में पानी भरना शुरू हो चुका है, तब यात्री नीचे से जहाज के ऊपर की ओर भागने लगे। दोस्तों, वैसे तो हर एक जहाज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए 40 लाइफ बोट का होना जरूरी होता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि टाइटैनिक जहाज में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज माना गया था। टाइटैनिक में मौजूद सभी ऑफिसर्स तुरंत यात्रियों को लाइफ बोट से बचाने के लिए जुट चुके थे। दोस्तों, जहाज के प्रोटोकॉल के अनुसार महिलाओं और बच्चों को लाइफ बोट में पहले बचाया जा रहा था, और यही एक कारण था कि उस समय सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या पुरुषों की थी। दोस्तों, वैसे तो हर एक लाइफ बोट में 67 सीटें मौजूद थी, परंतु पहली लाइफ बोट में सिर्फ 24 लोगों को ही बचाया जा सका, क्योंकि बाकी लोगों को ये लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक जहाज डूबने वाला है। दोस्तों, उस समय 16 लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करने में कुल 80 मिनट का समय लग गया था। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज में म्यूजिकल बैंड वाले भी मौजूद थे और वो टाइटैनिक के डूबने तक लगातार म्यूजिक बजाते रहे, ताकि डूबते हुए टाइटैनिक में मौजूद सभी लोगों को हौसला मिल सके। लेकिन दुख की बात तो ये है कि टाइटैनिक में मौजूद किसी भी म्यूजिक बजाने वाले को बचाया नहीं जा सका और टाइटैनिक के साथ उनके भी पानी में डूबकर मौत हो गई। दोस्तों, टाइटैनिक द्वारा कई रॉकेट्स को भी आसमान में छोड़ा जा रहा था, ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी दूसरा जहाज हेल्प के लिए वहां पर नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक शिप अटलांटिक ओशन में डूबने लगा। दोस्तों, टाइटैनिक के आगे का हिस्सा धीरे धीरे पानी के अंदर जाने लगा और इसके पीछे का हिस्सा पानी के तल से ऊपर उठने लगा, और अधिक भार होने की वजह से टाइटैनिक के बीच से दो हिस्से हो गए, और 15 अप्रैल को ठीक रात 2:20 में 3 घंटे के अंदर टाइटैनिक अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया, और इसी के साथ ही 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। हालांकि ज्यादातर यात्रियों को लाइफ जैकेट्स भी दी गई थी, लेकिन उस रात अटलांटिक महासागर में जमा देने वाली ठंड थी, जिसके कारण अटलांटिक महासागर का पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुंच चुका था, जिससे लोगों के पानी में डूबते ही तकरीबन 10 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई। और इस भयानक हादसे में सिर्फ 709 लोगों की ही जान बचाई जा सकी, क्योंकि टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थी, जबकि टाइटैनिक 64 लाइफ बोट्स ले जाने के लिए बना था। हालांकि टाइटैनिक के दुर्घटना के बाद कार्पथिया जहाज सुबह 4 बजे यात्रियों की सहायता के लिए तो पहुँच गया, लेकिन उस समय काफी देर हो चुकी थी। और 18 अप्रैल 1912 को कार्पिया जहाज कुछ जिंदा बचे यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गया। यदि उस समय टाइटैनिक में दूरबीन मौजूद होती तो शायद टाइटैनिक आइसबर्ग से ना टकराता और 1500 लोगों को अपनी जान ना गंवानी पड़ती, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। इससे कि लापरवाही के चलते कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां की गई थी, जिन्होंने अंत में जाकर भयानक दुर्घटना का रूप ले लिया। हालांकि दुर्घटना में जान गंवा बैठे लोगों में से सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाईं।